नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कश्मीर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर निशाना बनाने की साजिश रची है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सोमवार को एक कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को कश्मीर में आतंक का नया पर्याय बने जिहादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने अंजाम देने का दावा किया है। बीते 17 वर्षों में वादी में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकियों के द्वारा हत्या की यह पहली वारदात है। सरपंच कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन के 4 टॉप आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। दक्षिण कश्मीर में 24 घंटे में कुल 9 आतंकी मारे गए। घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा जिस तरह से रोज आतंकी मारे जा रहे हैं, उसे देखकर आतंकी संगठन और उनका आका पाकिस्तान बौखला गया है। वह कश्मीर में शांति से खुश नहीं है। देखिए पहले एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। जम्मू में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच अजय कुमार पंडिता को मौत के घाट उतार दिया। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह जम्मू के शक्ति नगर शमशान घाट पर किया गया। मेरा भाई दिलेर था और ये ऐसा दिलेर था कि कोई कश्मीरी पंडित वैसा नहीं है, न कोई लीडर आज तक वैसा बना है। शेर है वो, अभी भी शेर है, और हम फिर भी कश्मीर जाएंगे, कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं। ये सरपंच अब बन गया, मगर पहले ये सोशल एक्टिविस्ट था। ये कश्मीर ये पंडितों और मुसलमानों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत बार गया कश्मीर में, फ्रॉम 96 ये जाता था वहाँ पर। कोई आ गया, कहा यहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो बाहर गया, मैं अंदर ही बैठा था, तो बस इसको मुश्किल कर दिया, इसको गोलियां दो पीछे से लगाई। आप आगे से नहीं इसके, क्योंकि ये काफी बहादुर था, आगे से इस पर अटैक नहीं कर सके, पीछे से इसको अटैक किया है। कांग्रेस की अनंतनाग इकाई के वरिष्ठ नेता और लड़कीपोरा में लोक भवन पंचायत के सरपंच अजय कुमार पंडिता भारती सोमवार शाम करीब 6 बजे किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान आतंकी वहां आए और उन्होंने उन पर नजदीक से गोलियां चला दी। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकियों को भागने के बाद अजय को उनके परिजनों और अन्य लोगों ने अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से मिले सुरागों के आधार पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख GA मीर और प्रदेश BJP प्रमुख रविंद्र रैना समेत विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने सरपंच की हत्या की निंदा की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता पर ऐसे हमले की निंदा करते हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख GA मीर ने अजय भारती की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए उनकी मौत के लिए प्रदेश प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अजय भारती ने करीब 2 माह पहले बताया था कि आतंकी किसी भी समय उन्हें निशाना बना सकते हैं और उन्हें प्रदेश प्रशासन सुरक्षा नहीं दे रहा है। मीर ने कहा कि अगर प्रदेश प्रशासन ने सभी पंच सरपंचों की सुरक्षा का बंदोबस्त किया होता तो आज अजय भारती जिंदा होते। जो भी इसके असर रसूख वाले लोग थे वहां तक पहुंचा के मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, और पार्टी के बिहाफ से हमने कई बार अजय भारती और भी कई साथियों के लिए, आज भी कई लोग घरों में नहीं सोते, परिवारों में नहीं है, तो हमने कहा था कि जिस माहौल में आप लोगों ने चुनाव किया, जिस तरह से ये सियासी तौर आपने इसको कवर अप किया, तो ऐसे में लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर मानवता का कत्ल किया है। जो 1990 के दशक में बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में मारा गया, भारतीय सेना ने शोपियान में, पुलवामा में चुन चुन कर इन आतंकवादियों का सफाया किया है, उसमें उससे बौखलाहट में आके इस किस्म का काला कारनामा किया है। सारी दुनिया ने आज देखा है कि पाकिस्तान की ये काली करतूतें हैं। इसी किस्म के कुकृत्य 1990 के दशक में किए गए थे। अजय पंडिता की हत्या पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर में हिंसा कभी नहीं जीतेगी। गांधी ने ट्विटर पर कहा, पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अपना बलिदान दिया। अजय पंडिता के परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना, जिन्होंने कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। हिंसा कभी नहीं जीतेगी।
वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी और पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर कहा कि ये कश्मीर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और आम लोगों में डर के साथ साथ विभिन्न वर्गों में नफरत पैदा करने की एक साजिश है। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन के 4 टॉप आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। दक्षिण कश्मीर में 24 घंटे में कुल 9 आतंकी मारे गए। घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा जिस तरह रोज आतंकी मारे जा रहे हैं, उसे देखकर आतंकी संगठन और उनका आका पाकिस्तान बौखला गया है। वह कश्मीर में शांति से खुश नहीं है। वह आतंकियों की घुसपैठ कराकर घाटी में अशांति फैलाना चाहता है। इनकी कोशिश है कि कश्मीर में शांति किसी भी कीमत पर कायम न हो। अजय पंडिता के पिता ओंकार नाथ ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकियों को फौरन तलाश कर फांसी पर लटकाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ कश्मीर में रहने का फैसला किया था। हम खुश थे कि हमें यहाँ अब कोई तंग नहीं करता, लेकिन कई साल बाद पहली बार हम पर यह हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ कश्मीर में रहने का फैसला किया था। हम खुश थे कि हमें अब यहाँ कोई तंग नहीं करता, लेकिन कई साल बाद पहली बार हम पर यह हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस तरह से कश्मीर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर निशाना बनाने की साजिश रची है। इन सब के बीच में आज हम लोकतंत्र में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या कुछ आतंकियों की साजिश है और इसका मुंहतोड़ जवाब भारत कैसे देगा। हमारे साथ लोकतंत्र में चर्चा के लिए मौजूद हैं गुलाम अहमद मीर साहब हैं। आप जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। वजाहत फारूक भट्ट साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, आप सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। और राजेंद्र प्रेमी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। और सुनील सेठी साहब हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे, आप मुख्य प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। तो ऐसे में जिस तरह से सवाल सबसे पहला मेरा राजेंद्र प्रेमी साहब आपसे है, इस तरह से आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं लेकिन इन सब के बीच में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की एक बार फिर से जो साजिश है वो रची जा रही है, किस तरह से देखेंगे आप अजय पंडिता की हत्या को? हेलो जी प्रेमी साहब, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए सुनील सेठी जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर में एक बार फिर जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, हत्या की खबर मिली है अजय पंडिता की, किस तरह से देखेंगे आप इस पूरे मामले को? देखिए जिस तरह की खबर जो है वो कश्मीर से निकल के आई है, जो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें पंडित जी की जो है वो हत्या की गई, निर्मम हत्या, मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं है वो किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते थे, बल्कि इसलिए है कि वो एक अलग रिलीजियस जो है वो कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते थे, और इंटॉलरेंस जो हमने 1990 में देखी थी वही इंटॉलरेंस जो है वापिस आ रही है, जो एक मुखौटा था कि अगर कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आते हैं तो उनका स्वागत होगा, ये इस तरह की जो हरकत आज हुई है उससे ये साफ है कि कश्मीरी पंडित अगर वापस घाटी में आते हैं तो उनका स्वागत जो है वो मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म के जो सपोर्टर्स हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की हरकतें करने से अगर आप सोचते हो कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में आने से रोका जा सकता है तो वो नहीं होगा। कश्मीर कभी भी कश्मीरी पंडितों के बगैर पूर्ण नहीं होगा, कश्मीर का अस्तित्व जो है वो कश्मीरी पंडितों के साथ ही जुड़ा है। ये बाबा बर्फानी की धरती है, महर्षि कश्यप की धरती है और कश्मीरी पंडित यहाँ के मूल निवासी हैं। तो अगर कोई ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं या पाकिस्तान समर्थक ताकतें, ये उनको ये लगता है कि इस तरह की निर्मम हत्या करके वो कम्युनिटी को डिसवेट कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसका मुकाबला जो है वो इससे ज्यादा जोर से और ज्यादा ताकत से वो दिया जाए। जी चलिए ठीक है, जिस तरह से एक बार फिर कोशिश की गई है, वजाहत फारूक भट्ट साहब, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से हत्या का मामला सामने आया है, कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या जिस तरह से आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्या ये पाकिस्तान के नापाक करतूत है, क्या इन सब के बीच में किसका हाथ है? मुझे मौका दिया अपनी बात करने का, जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कश्मीर में वो कोई भी फ्रेंड्स के हाथ में, यहाँ पे किसी ना किसी की जान रखती है,
मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बौखलाहट की है, उनको लगता है कि ये आज फिर से 90 का दौर है कि यहाँ से निकाली, यहाँ को मारी हुई। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी ये कश्मीरी मुसलमानों का है, कश्मीरी का है, उतना ही ये कश्मीरी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का है, और किसी की मजाल है ही नहीं कि को यहाँ से निकालेगा या करेगा। जो कल यहाँ पे हमारे अंतर जो जाया उसके हम से जबरदस्त तौर पे पूरे कश्मीर ने मजहमत की, और उनको ये पता है कि जो आप हरकत की है उसको जो तरीके से हम मजहमत और ये दोबारा नहीं, मगर हेलो, हमारे साथ में एपीएन के एडिटर अजय कौल जी भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। जिस तरह से गुलाम अहमद पीर साहब, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से आप देखेंगे इस पूरी हत्या को, इस पूरी वारदात को? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये मान के चल रहा हूँ कि ये बदकिस्मती वाला दिन था, और चूंकि ये जो अजय पंडिता जी हैं, ये मेरे जाती तौर पर बहुत ही हमदर्द और बहुत ही मेरे साथ शाना बशाना चलने वाले साथी थे, पूरी फैमिली, और जो वाका हुआ ये बदकिस्मती वाली बात है, और जिसकी भरपाई की नहीं जा सकती। बाकी जहां तक आपका सब्जेक्ट की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये आज से 30 साल पहले जिस चीज की जन्म हुई थी, जिस चीज की शुरुआत हुई थी, और क्या सोचकर तब ये लोगों ने किया था, और आलम जानता है, और उसके बाद तब से लेकर आज तक बहुत ही फर्क आई थी इन सारी चीजों में, और आपस में तालमेल भी बढ़े थे, आपस में उठना बैठना भी बढ़ा था, पर आज इस तरह से फिर एक वाका हुआ, और कहीं ना कहीं ये पिक एंड चूज करके किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ये जो हादसा अंजाम किया गया, और जो इस बीच में बड़े दावे करने वाले हमारे सियासतदान और खासकर हमारी रूलिंग पार्टी, जब अपोजिशन में होते थे तो किस तरह से गला फाड़ फाड़ के तबके हुकूमतों को इन चीजों को डील करने के लिए निशाना बनाते थे, अब 6 साल से ऊपर हो गया, पूरी हिंदुस्तान ने एक नहीं दो दो बार मैंडेट दिया, काफी ताकत दिया। हम समझते थे कि तब तो वो कहते थे कि 7 साल के बजाय 7 दिन हमें दीजिए तो शायद काया पलट करेंगे, अब तो काफी दिन हो गए, काफी वर्षा हो गया, और आज भी जिस तरह से इनोसेंट लोग और खासकर माइनॉरिटी के लोग निशाना बनाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, और इस तरह के चीजों को देश को इकट्ठा होकर सियासत से उठ कर हमेशा देश ने करके भी दिखाया है 70 साल से, आज भी उसी तरह की पोजीशन है, मगर जिसको मैंडेट मिला है, जिसको ताकत लोगों ने दिया है, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी, और बातें कम और काम ज्यादा करें, मगर फिलहाल 6 साल से हम ज्यादातर बातें सुन रहे हैं, मगर ग्राउंड वही का वही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखें, चाहे तरक्की के हिसाब से देखें, चाहे सियासत के हिसाब से देखें, चाहे लोगों के तहफ्फुज़ के हिसाब से आप देखें, जिसमें ये वाका आता है, ये वही का वही है, इसलिए देश के लोगों को और हम सब लोगों को इसमें ऐसे मौके पर इकट्ठा होना चाहिए, और सरकार को इकदाम उठाने चाहिए, आगे फिर इस तरह के वाकात ना हो। मीर साहब, मैं अजय बोल रहा हूँ, अजय कौल जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने वीडियो देखी है जिसमें अजय पंडिता कह रहे थे कि मैं सिक्योरिटी की मांग कर रहा हूँ और सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, और आपको क्या लगता है कि ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में? और दूसरा मेरा एक्चुअली लिंक सवाल है कि इससे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो मतलब कुछ एंथुजियास्टिक लोग जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में या सरपंच पंच इलेक्शन में लड़ते हैं, उनको एक सेटबैक उस मतलब प्रोसेस को सेटबैक होगा इससे? अजय जी, क्योंकि एक लिमिटेड टॉपिक आपने रखा है सामने,
क्योंकि इसमें ज्यादा वाइड रेंज में जाने का मुझे नहीं लगता है ज्यादा स्कोप है, वरना वो चाहे इस तरह का नौजवान साथी शिकार होना या वक्ती तौर पर जो लॉकडाउन वाली बातें हैं और महामारी वाली बातें हैं, इस सब के पीछे में कोई ना कोई इन सारी नेचुरल चीजों के पीछे भी सियासत खेली जा रही है, उसका भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, उसको टैकल करने के बजाय उसमें से क्या फायदा हमको मिले, किस तरह से फायदा मिले वो हो रहा है। और जहां तक आपने ये सिक्योरिटी वाली बात की, जिस दिन से ये चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, जिन हालात में तब भी हुआ जी। कहने को तो तब चुनाव कराने वाले ने कहा कि मैंने चुनाव करवाए और इस चिड़िया नहीं मरी, आपने लगातार दो साल से बहुत जगहों पर ये सुना होगा जी जी। मगर ये वो लोग जानते हैं जो उस चुनाव में उतरे, जो उस चुनाव में से चुन के आए, पंच हो, सरपंच हो, म्युनिसिपलिटी के कॉर्पोरेटर्स हो या चेयरमैन हो, या अभी रिसेंटली बीडीसी इलेक्शन हुए, सेकंड ईयर इलेक्शन, उसमें जो उभर के आए हैं वो किस तरह से दिन गुजारे हैं और उनके परिवार रात कैसे गुजार रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आज तक किसी सरकार ने न समझने की कोशिश की है न जानने की कोशिश की है जी। बाकी वहां पर सिचुएशन मतलब उस तरह की नहीं है, और इसी तरह से इस लड़के ने लगातार पिछले एक साल से कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहां पर इसने जाती तौर पर भी लोगों को अवेयर किया होगा कि मुझे थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मैं माइनॉरिटी से हूं, और शायद अकेला, अभी आपका कोई पैनलिस्ट शायद कह भी रहा था, शायद अकेला इस ओहदे पर और इलेक्टेड, ये भी नहीं कि वहां बहुत सारे लोग बन के आए, फॉर्म भर लिया बाहर से और किसी ने फॉर्म नहीं भरा एंड दे वर इलेक्टेड, मगर ये तो वोट से बन के आए, इसको तो लोगों ने वोट दिया है और इसलिए इसको तहफ्फुज़ की बहुत जरूरत थी, पार्टी ने बैकअप दिया, पार्टी ने डिमांड की कई दफा, अजय के लिए नहीं, सैकड़ों सरपंचों और चेयरमैनों के लिए, मगर वहां जहां पर ये तय होना था वहां पर आज जिंदा होता अजय, शायद वो उसके घरवाले उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको कितना प्रेशर किया गया कि आप इस सोच को बदलो, उस सोच को पकड़ो, वहां जाओ, यहां जाओ, उसकी चिट्ठी ले आओ, आपको ये करेंगे, जो इस जायज आदमी ने कभी माना नहीं उनको, कहा ठीक है आप सिक्योरिटी बांट दीजिए मगर मैं सोच नहीं बदलूंगा। इस तरह की चीजें हैं और इस तरह की सियासत हो रही है बहुत मतलब इंसानी जिंदगियों के साथ में, तो इसे इस पर किसी टाइम जब आप बड़ा बहस रखेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने लाने की जरूरत है। तो एक और सवाल मैं आपको पूछूं अगर आपके पास टाइम है तो, अब 10 महीने हो गए 370 हटाए हुए, तो सिचुएशन चेंज हो गई है कश्मीर में? इनके नजर से तो बहुत चेंज हुई, जिन्होंने हटाया, जिन्होंने स्टेट को डाउनग्रेड किया, जिन्होंने एक बनी बनाई स्टेट को डिवाइड किया, 30 मील में बनाया, बहुत सारी चीजें 10 महीने हुई, और उनके नजर से तो तब की गरीब जम्मू कश्मीर रियासत इस वक्त आसमानों में बातें कर रही थी, तरक्की हुई है, मगर जब जिनमन जम्मू कश्मीर वासी से पूछेंगे, गरीब से पूछेंगे, मिडिल क्लास से पूछेंगे, मेरे ख्याल से इन 10 महीनों में 10 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के लोग पीछे चले गए, हर लिहाज से, इज्जत के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, पीस के लिहाज से, अमन के लिहाज से, जो आम जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करते हैं, जिसे मतलब चीट किया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो इसलिए इन सिचुएशनों में जो कोई बात करे कहीं पर उसके ऊपर क्या क्या आफतें आती हैं, उसको किस किस तरह से कॉर्डन किया जाता है, अजय जी आप शायद अभी वो गैस नहीं करेंगे, आप क्योंकि इतनी जमीन से जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में, पता आपको भी होगा जी जी, मगर मैं फिर भी फीलिंग नहीं आपसे सुनना चाहते हैं ना, आपकी फीलिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई, ये जिन्होंने फैसले लिए उनके हिसाब से तो जम्मू कश्मीर के लोग आसमानों में बातें कर रहे हैं, बहुत ऊपर उड़ गया, मगर रियल जम्मू कश्मीर वालों को पूछेंगे तो वो चीटेड फील कर रहे हैं, वो डिफीटेड फील कर रहे हैं, वो एकदम अपने आप को लेट डाउन फील कर रहे हैं, जिस तरह के फैसले लिए गए अन डेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, बिना लोगों को पूछे,
इवन उन जमातों ने उनको भी नहीं पूछा जिन्होंने उनको बनाया था, जिन्होंने वोट डालकर उनकी नुमाइंदगी बनाई थी, जिनको बड़ा मैंडेट दिया था। आज वो वोटर भी अपने आप को मतलब फील कर रहा है कि मैंने शायद क्या गलती की। तो क्या इलेक्शन के लिए रेडी है, अभी असेंबली इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर रेडी है? देखिए, हम कहें इलेक्शन कराओ तो इनको 3 साल पीछे दौड़ना है, हम कहेंगे मत कराओ तो ये शायद अगले 24 घंटों में करेंगे। इसलिए ये अब इन पर है, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, जमहूरी तरीका इख्तियार करते हैं या अभी तक गैर जमहूरी तरीकों से ही जो कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में उसमें लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट, लोगों की कोई सोच नहीं है। ये जो भी है ये यूनिलेटरल डिसीजन है, ये ऊपर से ठोसे हुए सारे डिसीजन है, करने दीजिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट जो भी है, वट एवर ये है, उसने क्लेम किया है ये किलिंग, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये कोई फ्रंट है नहीं। शायद मैंने शायद आज दूसरी बार ये नाम सुबह सुना है जी। एक तो उस दिन जब कोई वो डोमिसाइल हम होने नहीं देंगे, बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे, उस दिन कोई इनकी कोई खबर आई थी। एक आज सुबह, कल शाम तक नहीं, आज सुबह शायद इसका नाम सुना है कि जिनने कहा होगा कि ये अजय पार्टी डोमिसाइल थकते बांध रहा था, इसलिए हमने इसको टारगेट बनाया। और ये जमीनी हकीकत से कहीं मतलब मेल नहीं खाता है, ना ही अभी कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में शायद अभी किसी ने अप्लाई भी नहीं किया होगा, कोई ऐसी सुकोप भी नहीं आई। और जहां तक कल दिन की पूरी कार्रवाई अजय पार्टी की है, वो कम्प्लीटली सुबह से शाम तक 5 सरपंचों की ब्लॉक की मीटिंग थी, 3 बजे तक वो उस मीटिंग में था अपने साथी के साथ, घर गया, खाना खाया, खाना खा के अपने घर के बाहर निकला अपने अंतर में, जहां उसको 5 मिनट के अंदर बैक साइड से ब्रेस्ट मारा गया और शहीद किया गया। तो इसलिए वो उनका जाति तौर किसी डोमिसाइल से रिलेट होना, वो कोई सर्टिफिकेट बांट रहा है, ये तो ऊंट के अंदर घुसने वाली बात ही नहीं है। नहीं, ये तो प्रोपेगंडा है। जब सिचुएशन ही गलत कोच की जा रही है तो आगे खुदा जानता है क्या है, भगवान जानता है क्या है, कौन सी मोहर है। जी शुक्रिया, शुक्रिया। हम सुनील सेठी जी से, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे पूछेंगे। अभी मीर साहब कह रहे थे कि सिचुएशन ठीक नहीं है, आप क्या कहेंगे? आपसे सुन लिया सेठी साहब। देखिए, जब से गवर्नर रूल लगा और खासकर उसके बाद जब 370 खत्म हुआ और 35 खत्म होने के बाद, अगर किसी को ये लगता है कि ग्राउंड पे पोजीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि वो आंखें बंद करके बैठे हैं। आप पिछले अगर आप अगस्त 2019 के बाद की ही बात करें तो उसके बाद कितने आतंकवादी मरे हैं और उसके साथ सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो कितनी इंप्रूव हुई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिन में इससे पहले जो इंकाउंटर चल रहे थे उसमें 9 आतंकवादी जो है उनकी किलिंग हुई, और उससे 1 महीने का अगर आप अर्सा देखें तो 22 से ज्यादा जो है आतंकवादी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको मारा है। अब इन हालात को देखते हुए जो भी इनका कमांडर नियुक्त होता है मिलिटेंट का, उसको इमीडिएटली जो है वो लिक्विडेट कर दिया जाता है, तो माहौल जो है वो शांति स्थापना की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। काफी मिलिटेंट्स जो है उनका सफाया हो चुका है, अब जो पीछे मिलिटेंट्स बचे हैं उनका नंबर जो है वो कम है। सेठी जी, यहाँ पे ये तो पंडिता साहब की हत्या है, एक सेकंड के लिए, ये पंडिता साहब की जो हत्या है ये जानबूझ के की गई हत्या है, क्योंकि अब वो ये आतंकवादियों के खात्मे से ध्यान हटाना चाहते हैं। और दूसरा, मैं मीर साहब से 2 चीजों पे मुझे इतराज है। एक तो मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, ये कम से कम कुछ तो कहेंगे कि ये पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं ये उन्होंने मरवाया है, पाकिस्तान कुछ तो ब्लेम दीजिए, आपकी अपनी पार्टी का नेता जो है उसकी हत्या हुई है, हम तो फिर भी उनके साथ हैं। और दूसरी बात, ये जो इशारा करते हैं कि ये डोमिसाइल के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि डोमिसाइल का जो नया लॉ आया है ये नाम जोड़ने के साथ जो है वो डोमिसाइल जो है वो कहीं उसको डिल्यूट हो जाएगा, या बाहर के लोग नहीं, मीर साहब नहीं, सेठी जी कश्मीर में आके बसने के लिए सुनील जी रुक जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेठी जी, मीर साहब ये कह रहे थे ये गलत, वो डोमिसाइल का तो बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कह रहे थे। नहीं, आपने इसको डोमिसाइल के साथ जोड़ने की कोशिश की है,
आप ये बताना चाहते हैं कि लोगों को जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं लोग उनको डराना चाहते हैं कि किसी आदमी की हत्या सिर्फ इसलिए होगी कि उसके ऊपर जो है ये शक था कि वो डोमिसाइल करवाने के चक्कर में, ऐसा नहीं है। जो लोग जम्मू कश्मीर में बसना चाहते हैं, जो भारत में रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले हैं, जिनका राइट है वो आएंगे और उनको आने से इसलिए नहीं रोका जा सकता कि किसी एक या दो आदमी की आप सिलेक्टिवली हत्या कर दोगे। ये डरने वाला जो है देश नहीं है। इस तरह से डर का माहौल पैदा करके आपने 1990 के बाद जो है वो आतंक का राज जम्मू कश्मीर में फैलाया। अब ये अगर किसी की ये सोच है कि उसी तरह का दोबारा आतंक का राज जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा सेलेक्टिव किलिंग के साथ, तो वो नहीं होने वाला। आप देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिन में ये निर्मम हत्या की है उसका पूरे का पूरा जो है उसके साथ इंसाफ होगा, उसका भी सफाया होगा। जैसे पहले हुआ है आतंकवादियों का सफाया, वैसे इनका भी होगा। और कोई भी आदमी जो हथियार अपने हाथ में लेगा हिंदुस्तान के खिलाफ, वो उसके साथ जो है वो वही होगा जो उसके साथ होना चाहिए। जिस तरह से इस तरह की तस्वीर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में पंडितों को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि 20 साल में पहली बार ऐसी घटना सामने आई है, लेकिन इन सब के बाद में क्या कुछ आगे होगा जानने कोशिश करेंगे हम राजेंद्र प्रेमी साहब से। आप सोशल एक्टिविस्ट है प्रेमी जी, किस तरह से देखेंगे इस पूरे मामले को, क्योंकि इसके बाद में इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या कुछ इसके परिणाम जो है वो अब देखने को मिल सकते हैं हमें आगे, प्रेमी साहब? हाँ, ये जो अजय पंडिता एक सरपंच थे वहां पे, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि इसने कैसे हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ और बहुत अकलमंदी के साथ वहां पे दोबारा से रहने की कोशिश की थी, जसारत की थी। और एक पॉलिटिकल प्रोसेस में जबकि कोई वहां पे पार्टिसिपेट करने की तैयारी में नहीं था, तो कैसे ये इस पॉलिटिकल प्रोसेस में आने की इसने कोशिश की, हिम्मत जुटाई, तो एक सरपंच बन गया ये। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए मतदान किया, इसको वोट दे दिए। ये आज उन सब लोगों की हत्या है जिन्होंने इसको सरपंच बनाने में अपना योगदान दिया। मैं इस नजर से देखता हूँ कि ये अकेले अजय पंडित भारती की निर्मम हत्या जो की गई, पहले तो मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और ये जो इन्होंने इसकी हत्या की, मुझे नहीं लगता है कि ये एक अकेले एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्तिगत शख्स की, एक इंफरादी शख्स की हत्या है। ये अजय की हत्या है, ये पंडित की हत्या है और ये भारती की हत्या है। तीन लोग जुड़े हुए थे, तीन मुख्तलिफ इसके साथ में जो सेगमेंट्स हैं वो जुड़े हुए थे। एक अजय जिसको आप पराजित नहीं कर सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते, वो और पंडित, कश्मीरी पंडित जो टारगेट रहा ही रहा है इनका, आतंकवादियों का, वो और भारती और जो लोग भी कश्मीर में, मुझे लगता है अभी राजेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए कि पहली कश्मीरी पंडित किलिंग नहीं है, 89 में बहुत सारी किलिंग, हाँ, मैं उसी पे उनका कोई डिस्क्लोजर नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आज 30 साल से हम यही देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को कैसे मारा जा रहा है। ये कोई इसकी कोई वो ये देखते ही नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी का है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये पीडीपी का है, ये बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी तो इनके टारगेट पे है ही है। और 14 सितंबर 1989 से हम देख ही रहे हैं, जब उस दिन 14 सितंबर के दिन पहली कश्मीरी पंडित किलिंग हुई, वो पंडित तिकलाल टेपलू जी की हुई। और जब से आज तक मैं इन 30 सालों में सुनते आ रहा हूं कि आज ये पंडित मारा गया, परसों फलाम पंडित मारा गया, उससे पहले 10 दिन वहां पे नाड़ी मर्ग में एनमास किलिंग हो गई और छठे सिंह पोरा में सरदारों की किलिंग हो गई, अभी 5-6 दिन पहले मैंने सुना कि एक सरदार की किलिंग हुई। ये जो माइनॉरिटीज की किलिंग हो रही है यहां पे, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा। और कहीं ना कहीं एक सिग्नल है, एक सिग्नल है पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए कि भाई देखो, हम यहाँ पे एक तो अमन नहीं चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे कोई हम प्रगति नहीं चाहते, तरक्की नहीं चाहते। हालांकि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते आए हैं जब से उनकी दूसरी इनिंग शुरू हो गई है एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो देश मजबूत होता है। मुझे लगता है कि ये जो अजय पंडिता की किलिंग हो गई,
इसको जितनी भी पुरजोर मजम्मत की जाएगी। रजिंदर जी ये जो अजय पंडिता थे ये भी एक माइग्रेंट थे, लेकिन अच्छे 5-6 साल पहले ये वापस गए थे इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए। तो ये तो माइग्रेंट्स को जो वापस जाने का जो जब भी बात चलती है तो ऐसा होता है। मैं उसी बात पे आ रहा था। ये एक सिग्नल है इस प्रोसेस को रोकने के लिए कि अब जब एक हवा बनी थी 5 अगस्त के बाद एक प्रक्रिया चल रही थी, अब वातावरण सामान्य होता जा रहा था कि शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन, अब वो दिन शायद दूर नहीं कि जबकि वापिस विस्थापित हुए लोग जिनमें कश्मीरी पंडित ज्यादा हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी है, जो वहां से निकल के आ गए थे विस्थापन में, और वो शायद वापस आने की एक कोशिश, एक प्रक्रिया, एक हवा फिजा बन रही थी उसकी, और शायद उसको रोकने के लिए भी ये एक सिग्नल है कि हम जो यहाँ पंडित रह रहे हैं उनको भी मारेंगे और जो शायद आने की कोशिश करेंगे उनको भी वाइप आउट करेंगे। तो मुझे लगता है, अच्छा ठीक है, हमारे साथ ओझा साहब जितेंद्र ओझा जी हैं जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या ये सिग्नल है जो कश्मीरी पंडितों का जब वापस जाने का जब भी बात होती है तो ये उनके लिए सिग्नल है क्या? देखिए जी, पहले से मैं आपसे कहता आया कि ये एक कॉवर्ड वॉर है, एक छत युद्ध है, और इस युद्ध में वो साइकोलॉजिकली इंटिमिडेट करना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान के सिंबल माने जाते हैं, जो हिंदुस्तान से एसोसिएटेड है, जो भारत से। तो इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा लड़ाई जो है वो लोगों के दिमाग में होता है, तो ये उन तमाम लोगों को ये सिग्नल देना चाहते हैं कि भारत के साथ हो गए तो तुम सुरक्षित नहीं हो। देखिए इस लड़ाई में 3 तबके होते हैं, एक तो जो वॉर परपेट्रेट कर रहा है जो पाकिस्तानी कवर्ड स्टेट है, दूसरा इसमें एक्टिव कोलेबोरेटर्स हैं जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, तीसरा जो पैसिव वर्कर्स हैं। जब ये आतंकित कर देंगे, भयभीत कर देंगे, तो जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो वो लोग कम कर देंगे, क्योंकि लड़ाई के ऐसी लड़ाई की स्ट्रेटजी होती है और उसी का एक हिस्सा है। वो इंटिमिडेट करना चाहते हैं, सिग्नल देना चाहते हैं कि भारतीय सुरक्षा बल जो है इंडिविजुअल लेवल पे बचा नहीं सकती है, और वाकई इंडिविजुअली ऐसे में जाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये लोग छुपे हुए हैं, छुप के अटैक करते हैं, भीड़ में छुप के अटैक करते हैं, उनको किसी कोलैटरल डैमेज का डर नहीं है, किसी चीज का उनके ऊपर मॉरल बंदिश नहीं है, जबकि सुरक्षा बल जो है बहुत संभाल के अंधेरे में इनको खोज खोल के तलाश के रोकने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मुश्किलात क्या है और इसका मकसद तो बहुत क्लियर है। सो इसकी टाइमिंग अगर देखी जाए ओझा साहब टाइमिंग अगर देखी जाए मुझे ये सिग्निफिकेंट लगती है, क्योंकि अभी कल ही DGP साहब कह रहे थे कि 22 मिलिटेंट 22 टेररिस्ट आतंकवादी जो 2 हफ्तों में मारे गए, इनफैक्ट 2 दिन में तो 9 मारे गए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस आर हैविंग एन अपर हैंड, तो क्या इसके साथ लिंक हो सकता है कि कैन वी सी दैट लिंक टू इट? इसके साथ बिल्कुल लिंक है, क्योंकि जब वो 22 लोग मारे जाते हैं तो साइकोलॉजिकली जो है डोमिनेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आ जाती है, तो इसमें जो है जो भी थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में लोग हैं उनको भी इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है, मिलिटेंट ये सिग्नल देना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं, हम हारे नहीं है, हम अभी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस से मार खाए जा रहे हैं, वैसे में ये सॉफ्ट सिविलियन टारगेट वो चूज करते हैं। देखिए जो दुश्मन है इसमें वो पहले बार छुपा हुआ है, उसकी कोई मॉरल नहीं है, उसकी कोई एथिक्स नहीं है, और इसमें मेरा मानना है कि भाई NGO वगैरह के लोग अपना काम करें। दिस इज अ हार्ड कोर सिक्योरिटी इशू, और हार्ड कोर सिक्योरिटी इशू में बहुत ही स्पेशलाइज किस्म का वॉर है। रशिया के एक्सपर्ट, अमेरिका के एक्सपर्ट, अभी से हाइब्रिड वॉर कहें या जो भी वॉर कहें, इस वॉर को लड़ने की एक्सपर्टीज जो है बहुत कम ताकतों में, और ये हर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में अलग किस्म का वॉर है। तो जो जम्मू और कश्मीर में जो वॉर है इसका एक अलग शेप है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज डोमिनेंट पोजिशन में आ गई, उनको एकदम दबा के रखा, तो वो अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सॉफ्ट सिविलियन टारगेट चुना है, और ये सोच के चुना है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है सिविलियन पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा होगा। जी सेठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सेठी जी BJP के हैं, प्रवक्ता है, सेठी जी आप लाइन में हैं? प्रेमी साहब से, सेठी जी से संपर्क हमारा टूट चुका है, प्रेमी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी ओझा साहब ही मैं पूछता हूँ, अभी जैसे ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है जो अबाउट टेरर हाइड आउट्स एंड स्पेसिफिक क्लीन ऑपरेशन होते हैं इतने दो मतलब कई महीनों से, इनफैक्ट जिसमें बहुत सारे हाई मतलब टॉप टेररिस्ट भी मारे गए, तो
क्या ये इंडिकेट नहीं करता है कि जो लोकल लोग हैं उनके साथ नहीं है? बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं से आती है, इनपुट्स। देखिए ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की बहुत जबरदस्त स्किल है, ये इतनी हद तक हो गए हैं, ये जिस किस्म के वॉर में जितना वॉर प्रोलॉन्ग होता है लोकल पॉपुलेशन उसकी जगह नेट होती है, क्योंकि और ये केस अलग है कश्मीर में कि लोकल पॉपुलेशन बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है, इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड मिल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतने बड़े एरिया में, इतने डिफिकल्ट एरिया में लोगों को सिक्योर करके रखा है। लेकिन पहले भी मैंने कहा कि देखिए ये लड़ाई अलग किस्म की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप कहते हैं ना कि जिस किसी ने तालाब पाल रखा है उसे बहुत सारे खतरनाक मच्छर हो, खतरनाक घड़ियाल हो, वो तालाब से दौड़ के आपके पास आ जा रहे हैं, उसमें से आप सिंगल एक एक करके कितने लोगों को मारिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। मेरा मानना है एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, मेरा पेपर भी है इरेगुलर वॉर पे, वॉर पे मेरे पास भी छोटा सा पेपर साधा पेश था, उसमें भी मैंने लिखा है ऐसे वॉर का एक ही तरीका है कि जहां पे ये सारी चीजें हैं उसको वही दुखा दिया जाए और एक लेवल पे नहीं। देखिए कोई भी लड़ाई, किस तरह की लड़ाई आपकी टेरिटरी पे आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है। वॉर के तीन प्रिंसिपल होते हैं, पहली बात कि वो वॉर जो है दुश्मन की टेरिटरी पे लड़ा जाए, दूसरी बात उसमें शॉर्ट और स्विफ्ट विक्ट्री होनी चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आज का नहीं, हम इसको समझ नहीं पाए, सारे पॉलिटिशियन एनजीओ सारे लोग बिना जाने बगैर अपने हिसाब से इस पर डिस्कशन करते रहे। दुनिया भर के सिक्योरिटी फोर्सेज में, अमेरिका तक जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज में इस किस्म के वॉर लड़ने की एक्सपर्टीज नहीं है, तो इस हिसाब से हमारी फोर्सेज जो है कुछ हद तक सिचुएशन को कंटेन कर सकती है और कंटेन करने के बाद दूसरे तरीके हैं इस वॉर में विजय पाने का। तो आप कह रहे हैं ना कि इसका जो हमारी जो स्ट्रेटजी है इसको एकदम अपग्रेड करने की जरूरत है, जो भी उनके लॉजिस्टिक्स है, मैंने एक पुराने आर्टिकल में भी लिखा है जुलाई वगैरह के, मैं लिखा था जून का लिखा हुआ है कि उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सपोर्ट लॉजिस्टिक्स है दुनिया भर में उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज से नहीं होगा, क्योंकि ये जब अपने थिएटर पे आ गए तब तो मुश्किल काम है, इतने सारे एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा पाकिस्तान ने एक और काम किया है कि इसको एक रिलीजियस एंगल दे दिया है, जहां पे भी रिलीजियस एंगल आ जाता है और खासकर इस्लामिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं। ये कश्मीरी पॉपुलेशन को भी दाद देनी होगी कि इतने सारे रिलीजियस एंगल आने के बावजूद वो अपने आप पे नियंत्रण बनाए हुए हैं और सिचुएशन उतनी खराब नहीं हुई है, उतने लोग रेडिकलाइज नहीं हुए हैं। तो देखिए ये बहुत खतरनाक और मुश्किल सा कॉम्प्लेक्स सा वॉर है और इसमें मिलिट्री कॉम्पोनेंट एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है और उस कॉम्पोनेंट को लेकिन हमारी आर्मी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। वजह साहब एक ग्रुप है सो कॉल्ड ग्रुप, मैं उसको बोलता हूँ द रेजिस्टेंस फ्रंट, मुझे लगता है ये फेक है, इट इज़ जस्ट अ मास्क जो एलईटी का या जैश का है टू मेबी डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी बिकॉज एफएटीएफ इज ऑलरेडी स्क्रीनिंग पाकिस्तान। तो आप कैसे देखते हैं इसको, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो भी सो कॉल्ड है? हाँ, इसको जो है उन्होंने बहुत तरीके से सबवर्ट करके कुछ सेक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन के हैं जो हुरियत के लोग, कई लोगों को तो कॉन्टेक्ट में थे और सबवर्ट करके उनका कोशिश ये होता है कि लोकल कुछ पॉपुलेशन एलियनेट हो तो उसको हम प्रोसेस करें। देखिए जब इस तरह का वॉर पड़ता है तो सर्च कॉर्डन पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च करती हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, उनकी लिबर्टीज कर्टेल होती है, तो थोड़ा सा लोगों में इनकन्वीनियंस होता है और थोड़ी थोड़ी एलिनेशन शुरू होती है। तो हो सकता है छोटे क्षेत्र में एलिनेशन हो, लेकिन मैंने कई जगह देखा और लिखा भी है कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से कोई सिंपैथी नहीं है, वो पाकिस्तान के आसपास जाना नहीं चाहते हैं। हालात ये है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट कश्मीर के लोग भी जो है मौका मिले तो वो हिंदुस्तान में आना चाहेंगे, लेकिन ऐसे में वो बदलाने के लिए कुछ हो सकता है दो चार लोगों को उन्होंने क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद जो है ये नया नाम दे दिया है, लेकिन इसका कश्मीर से कोई इंडिजिनस ताल्लुक है ही नहीं। ये तो सीधे सीधे कॉमन वो है पाकिस्तानी डीप स्टेट की जो कई डिकेड से चल रहा है और जिसको हम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज तो बहुत अच्छे से लड़ रही है, तो वॉर लड़ना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से वॉर को दूसरे लेवल पे भी अपग्रेड करके और इसका एक एंड गेम प्लान करके उसको करने की जरूरत है, जो शायद हम उस तरफ कितना सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आप कह रहे हो सही बात है। ये तो लोगों को बरगलाने के लिए उन्होंने कुछ नाम दे दिया, दूसरे नाम दे दिए, हो सकता है एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो जो मैंने कहा कि रिलीजन का एंगल दे दिया, आइडेंटिटी का एंगल उन्होंने दे दिया, उस आइडेंटिटी के एंगल में वो उनके बरगलाने में आ गए हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी दुनिया को मान लें कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड वॉर है और इस वॉर के डायनेमिक क्या होती है कि जैसे जैसे ये वॉर प्रोलॉन्ग करता है लोकल पॉपुलेशन एलिनेट होती है,
सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके बावजूद लोकल पॉपुलेशन में एलिनेशन उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट एलिनेशन है। अगर एलिनेशन होते तो इतने ज्यादा आपने कहा पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज को कोऑपरेशन मिल रहा है, हम नहीं मिलता। अच्छा राजेंद्र जी, हाँ जी, ये जो अजय पंडिता जो मारे गए, अब उसके बाद डिमांड्स आ रही है कि जस्टिस शुड बी डन और इमीडिएटली उनके जो कल्प्रिट्स है जो मारने वाले उनको पकड़ा जाना चाहिए और सजा देनी चाहिए। जी, आपके पिताजी जो एक पोएट थे सर्वानंद जी, और आपके ब्रदर को जब किडनैप करके मारा गया था 1990 में, जी, आपको जस्टिस मिली क्या? कहां, जब से मैं आपको बताऊं कि हमने ये कहा कि हम वादी को छोड़ के नहीं जाएंगे, वादी घाटी को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो मेरे पिताजी ने पूरे पब्लिक गैदरिंग में ये कहा कि मैं कैसे अपने लोगों को, जहां मैं पला बड़ा हूं, जहां मैंने लोगों को पढ़ाया है, जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जहां हम एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ उठ के बैठते हैं, उस जन्मभूमि को, उस मातृभूमि को कैसे मैं अबंधित कर सकता हूं, मैं कश्मीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हमारी फैमिली चूंकि एक कश्मीरी पंडित फैमिली, पूरी 2-3 लाख आबादी वाले मुसलमान इलाके में रहते थे और बड़ी इज्जत से रहते थे, शान से रहते थे, और मेरे पिताजी ने जब ये कहा कि हम वादी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अपने लोगों को कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तो हम टिके रहे मई तक, और 28 अप्रैल को उनका अपहरण किया गया, हमारे घर में आतंकवादी घुस गए, हमारे घर की सारी संपत्ति को लूटा गया, बाकी चीजों को तहस नहस कर दिया, और लास्ट पे जो हमारी नकदी थी, ज्वेलरी थी, कैश था, सामान था, बाकी था, उसको सारा लूट के उन्होंने एक बैग में बंद करके, और जो हमारी लेडीज थी उनको कहा गया कि ये सारी ज्वेलरी उतार दो, और जब उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि आप हमारे साथ आइए बाहर, हमारे कप्तान हैं, उनसे थोड़ा सा बात करनी होगी आपको, तो हमने रोना पीटना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कुरान की कसम, मोहम्मद की कसम, अल्लाह की कसम, खाने काबा की कसम, नमाज की कसम, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इनको बाहर ले जाएंगे, और वहां वो ये सामान जो हम यहाँ से ले जा रहे हैं वहां दिखा के फिर ये वापस आएंगे 5 मिनट में, और चूंकि हम इन सारी चीजों पे इतना विश्वास करते थे, हमारा इनपे इतना विश्वास था, कहने की बात नहीं, जब उन्होंने कुरान की कसम खाई, मोहम्मद की कसम खाई, खाने काबा की कसम खाई, पैगंबर कुरान शरीफ की कसम खाई, तो वो लोग उठे और चले गए उनको साथ लेकर के गए, और जब 2-3 दिन तक उनका कोई अता पता नहीं आया, और बाद में हमें बताया गया कि साहब हम तो नहीं बचा सके, आकर वही होना था जो जो हम तो देखते आ रहे थे, तो ये एक उसके सेक्युलरिज्म पे, हमारे विश्वास पे एक विश्वासघात था, और पूरा जो था कश्मीरी पंडितों को ये लास्ट वार्निंग थी कि यहां से वादी को छोड़ के चले जाओ, और हम चले गए, और सरकार जो उन 2-4 दिनों में हमारे पास हमारे घर में आती रही, सरकार के प्रतिनिधि और बड़े बड़े अफसर, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम सारी आपकी चीजें जो है ठीक कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो, हम यहाँ हैं, हम जिंदा हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं नंगे पैर वहां से आ गया हूँ फिरन पहन के, और मेरे लोगों ने हमें रोका कि आप मत चले जाओ, जो कुछ होना था अब जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन बाकी लोगों ने जो गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि साहब अब हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अब बच जाएं या मर जाएं, हमें कोई मालूम नहीं, क्योंकि ये जो हवा उठी है, ये जो मेन्यूस उठा है यहाँ टेररिज्म का, इसमें हमें भी मालूम नहीं कि हम सेफ है या नहीं। फिर जब हम जम्मू आ गए 5-10 दिन वहां पे रहे, और सबसे जो दुखद बात इसमें ये है, एक तो घर को लूटा गया, मंदिर को जलाया गया, दोनों मकानों को उसके बाद जलाया गया, और अंत्येष्टि में जो आखिरी रसूमात थे मेरे पिताजी के और मेरे भाई के, उनकी उसमें मेरे जो यहाँ पे छोटे ब्रदर थे वो पहले ही यहाँ पे दिल्ली में काम करते थे, उनको भी आने नहीं दिया गया, उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया गया, उसको उनको भी वंचित रखा गया कि तो आप चले जाएंगे तो शायद आपको भी खतरा होगा, तो ये दुखद बात है। और उसके बाद जितनी भी इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, एक भी वादा, मुझे बहुत अफसोस, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ और मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, वजह सर एक भी उन्होंने, उसके बाद 28 साल तक मैं लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, कुछ भी नहीं,
मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, वो हमें सुनते रहे। उसके बाद से उन्होंने मेरा केस, मेरी फैमिली का केस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को रेफर किया। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुझे 4-5 साल तक सुना, लगातार उनकी हियरिंग होती रही, और उन्होंने कहा कि आपकी जो डिमांड्स हैं, जो वादे किए गए हैं आपके साथ, जो एश्योरेंसेस दिए गए हैं, उनकी इन्होंने एक भी उसकी वो दे कुड नॉट मेक अप, दे कुड नॉट कीप अप वन ऑफ इवन वन ऑफ द सिंगल प्रॉमिसेस। और ये डिमांड्स बिल्कुल सारी इमोशनल और सेंटिमेंटल है। चले, और जजमेंट आ गया तो उसमें उन्होंने जी कॉल करेंगे, ओझा जी से पूछेंगे, ओझा जी की प्रतिक्रिया। तो जो डबल बेंच का जजमेंट आ गया 4-5 साल सुनने के बाद, वो उन्होंने कहा कि ये ग्रीवेंसेस शुड बी एड्रेस्ड सूनर द बेटर, दे शुड बी एड्रेस्ड सूनर द बेटर। लेकिन ये जब जजमेंट 2012 में आ गया फरवरी में, तो मतलब अभी तक, मतलब राजेंद्र जी अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिली, तो ओझा जी से बात करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ओझा साहब, सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए, उनका स्टेटस रिव्यू करने के लिए 5-6 मीटिंगें बुलाई, उच्च स्तर मीटिंगें बुलाई, सेक्रेटरीट नहीं। मैं यहाँ से श्रीनगर जाता रहा मीटिंग अटेंड करने के लिए। अच्छा, ओझा जी से पूछे, राजेंद्र जी ठीक है, प्रेमी साहब ठीक है, राजेंद्र जी ओझा साहब से पूछेंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ओझा साहब, आपने ये कहानी सुन ली, जो हकीकत है, मतलब कहानी तो है नहीं, कि ये जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि मतलब 30 साल के बाद भी ही इज लुकिंग फॉर जस्टिस, और जो आतंकवादी जो टीवी में प्रोक्लेम कर चुके हैं, जैसे यासीन मलिक है या बेटा कराटे वगैरह बहुत सारे हैं जिन्होंने टीवी में ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने मारा है कश्मीरी पंडितों को या किलिंग की हमने, और उनको कोई ऐसा कोई सज़ा मिली नहीं है, वो तो फ्रीली घूम रहे हैं। इनफैक्ट यासीन मलिक तो सेलिब्रेटेड सेपरेटिस्ट लीडर है, तो आप कैसे देखते हैं इसको, सिचुएशन को? देखिए, बहुत साल पहले मैंने तस्वीर को पढ़ा, पढ़ने के बाद बताना भी शुरू किया। डेमोक्रेसी में जब आपके इंस्टीट्यूशन के फंक्शनल है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो काम नहीं करती है, तो नेचुरली आतंकवाद को या ऐसे इंसर्जेंसी को बढ़ावा मिलता है। उनको पता है कि वो हत्या कर देंगे, मारेंगे, जो करना है करेंगे, आपकी इंस्टीट्यूशन उन पर कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि कुछ लोकल लोग आए, देखिए 90% जब मैं एक्टिव कोलैबोरेटर और पैसिव अप्रूवर की बात करता हूँ, तो ह्यूमन साइकी ये भी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो क्राइम करके बच जाते हैं तो उनके भीतर में हैवानियत क्या है, दरिंदगी क्या है, वो आ जाती है। देखिए, इस्लाम का बहुत दुरुपयोग हुआ है इन द कॉन्टिनेंट में, हम लोगों से ज्यादा किसी ने इसको किया नहीं, और अभी भी हम इसकी ग्रेविटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज मारेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन साथ में जो मैं कहता हूँ कि पैसिव अप्रूवर्स हैं या इवन कोलैबोरेटर्स हैं जो फाइटिंग पार्टनर नहीं है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, उसके बेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो बेस का डिस्ट्रक्शन जो है आम आदमी नहीं कर सकती है। उस बेस के डिस्ट्रक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपके अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। कि जरा भी, चलिए ठीक है, ओझा साहब वक्त की कमी है, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है, ठीक है। तो जिस तरह से अब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का सिलसिला जो हम एक बार फिर देखने को मिला है, इन सब के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे उन्हें सुरक्षा मुहैया करा पाती है, कैसे जो पंडित है, अजय पंडिता है, जिन्हें जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके परिवार को किस तरह से न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से अभी प्रेमी साहब ने अपनी जो हकीकत है वो बताई कि किस तरह से न्याय के लिए अभी भी दरकार है उन्हें, लेकिन इन सब के बीच में देखने वाली बात होगी कि कब तक अजय पंडिता को न्याय मिल पाता है और कब तक इस तरह के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ में जो वारदातें होती रही है उसका सिलसिला कब तक थमेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ यहां फिलहाल इतना ही। एपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।